अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो ये है कि मैं काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि लोग ये बात फैला रहे हैं कि सऊदीया ने फैमिली विज़िट वीज़ा जो है वो बंद कर दिया। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सऊदीया ने कुछ शरायत रख दी हैं, जिनमें यह है कि जैसे ही आप सऊदीया एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपने फिल करना होगा, जिसमें आपसे वो ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे कि आपने लास्ट 14 डेज़ में किन कंट्रीज़ का सफ़र किया है। उसके अलावा एक और फॉर्म होगा, वो हेल्थ रिलेटेड होगा, आपकी हेल्थ हिस्ट्री पूछेंगे, मेडिकल हिस्ट्री, कि आपको कभी कोई खांसी लास्ट 14 डेज़ में खांसी, ज़ुकाम या बुखार तो नहीं है। तो वो आपने दोनों फार्म फिल करके एयरपोर्ट पे जमा करवाने होते हैं। अगर आप हेल्थ हिस्ट्री नहीं देंगे तो आपको 5 लाख रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है। तो आप जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ जो है कोऑपरेट ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप सऊदीया से पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं तो कुछ एयरलाइंस वाले आपको फॉर्म देंगे जो आपने उनको फिल करके देना होता है। ये फॉर्म भी वही है, हेल्थ हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। आज ही मेरा एक दोस्त जो है पाकिस्तान से सऊदीया आया है, तो उसको भी वही दो फार्म दिए हैं जो उसने फिल करके वापस गवर्नमेंट को दिए हैं। वो दोनों फार्म जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फार्म में पहला फार्म जो है वो मेडिकल हिस्ट्री का है, उससे पूछा गया है कि आपने कभी, आपको खांसी ज़ुकाम बुखार वगैरह तो नहीं है। और दूसरा फार्म जो है वो यही है कि 14 डेज़ में, लास्ट 14 डेज़ में आपने इन कंट्रीज़ का ट्रैवल तो नहीं किया, और दूसरे नंबर पर आपको कोरोना वायरस तो नहीं है, या आप कोरोना वायरस वाले किसी मरीज़ को तो नहीं मिले। और एक और भाई हैं जिन्होंने सऊदीया से पाकिस्तान का ट्रैवल किया है, तो उन्होंने एक एयरलाइन ने अपने फ़्लाइट में उनको एक फॉर्म दिया जो उन्होंने फ़िल करके देना है। उसमें भी उससे मेडिकल हिस्ट्री और उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री पूछी है, तो वो फॉर्म उन्होंने फ़िल करके वापस उनको देना होता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अगर आप अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हैं तो आप बिला झिझक ले कर आएँ। कोई उनके पाबंदी नहीं है, पाबंदी सिर्फ जो है उमरा वीज़ा पर और टूरिस्ट वीज़ा पर अभी तक लगी है। फैमिली विज़िट वाले जो हैं वो अभी आ सकते हैं, सिर्फ यही है कि उनको यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। दूसरा, फैमिली विज़िट वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो मैं अनकरीब उस पर वीडियो बनाऊँगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस तक अल्लाह हाफिज़।